राम राम भाई सर भैया ने स्वागत है एक नए व्लॉग में। और रनिंग की कार्रवाई कंप्लीट करी है और पहला कार्रवाई देखो, उसके बाद मैं बात करूंगा आज की जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो भाई कल रनिंग ख़त्म करने के बाद में इस बेर में खतरनाक वाली मोच आ गई थी और सामने पट्टी करवानी पड़ी फिर। और अब भाई वापस सुबह उठ चुके हैं और रनिंग करने चल पड़े हैं। भाई बिना रनिंग आमनो दिन ना हो गया करे और बिना रनिंग आमनो दिन ना भी क्या करे, ठीक है। जब थे और सुबह है पिछली 1 जनवरी थे और अब धीरे धीरे चल पड़े रनिंग ग्राउंड तक है और अब ग्राउंड पहुंच गया भाई। बढ़िया वाली रनिंग चल पड़ी है पैर में खतरनाक वाली मोच आने के बाद में भी, और पूरी करांगा रनिंग ने बढ़िया तरीके कंप्लीट है, ठीक है। जो भाई गया करे ना कि माँ रनिंग ना होती मारा पैर दुखे ऐसा हो जावे ऐसा हो जावे, कुछ ना होता भाई। मेरे पैर में शानदार वाली मोच आई है बढ़िया वाली, ठीक है। इस मोच ने भी बढ़िया बोलिया करा और उसके बाद में भी आपने रनिंग कट टू कट चल रही है इस तरिया, ठीक है ना, पूरी 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। वीडियो लागा बढ़िया तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल कर दियो सब्सक्राइब भाई। और लास्ट राउंड चल रही हो 5 किलोमीटर को, ठीक है। इसी तरह बढ़िया तरीके रनिंग पूरी कंप्लीट करी है आज भी इस मोच आने के बाद में भी भाई, ठीक है ना, याद रखिए भाई। रनिंग कंप्लीट करने के बाद में बीम भी लगवाऊंगा, ठीक है ना। यूं ना सिर्फ रनिंग करके भाग जाऊंगा आज, पैर में चोट है तो ना भाई, बीम भी लगवाऊंगा और 10-10 का 4 सेट लगवाऊंगा आज, चोट है तो ज़्यादा लगवाऊंगा, ठीक है। आज वाला सूट कैसा लग रही है, ट्रैक सूट है, कमेंट करके बता दिए भाई, ठीक है। चलने दे भाई यूं ही मेहनत ने, इससे कोई नुकसान नहीं वेला भाई, नफा ही नफा होना है, ठीक है। और अब भाई पेट की एब्स की एक्सरसाइज लगानी शुरू कर दी थी, इस बास्केटबॉल वाले ग्राउंड में पहुंच गए थे और सुथरा भाई मिल गया था वीडियो बनाने के लिए और उस भाई ने बना दिया वीडियो हमना, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से चलन दो और खींच के वर्कआउट न लिया करो, बीच में एक दिन भी ना रुको, ठीक है। ये जीवन भाई जितना मिला है ना उससे इंजॉय करके पूरा करो, ठीक है। इस मेहनत में इंजॉय करो, इसमें फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करो, या भाई कोर वर्कआउट चाल पड़ियो भाई, ठीक है ना। लोअर एब्स और लेग्स के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है। रनिंग करने वाला भाई अपने वर्कआउट में इस चीज़ ने जरूर ऐड किया करो। और अब मैं बोलिया करूँ ये चीज़ ने ब्रेस्ट पुशअप, ठीक है। ये कम से कम 300 लगवाऊंगा आज, सपाटा नहीं लगवाऊंगा आज क्योंकि थोड़ी बहुत पैर में तकलीफ है, इसलिए ब्रेस्ट पुशअप लगा के सपाटांग बराबर 100 सपाटा = 300 ब्रेस्ट पुशअप मैं मान्या करूँ, ठीक है ना। तो 300 ब्रेस्ट पुशअप लगा के चीज़ ने कंप्लीट कराऊंगा बढ़िया तरीके, ठीक है ना। चलने दो भाई, खींच के ले आ करो यूं वर्कआउट ने, मैं एक ही बात कर रही हूँ बार बार है, ठीक है ना। बहाना बनाना बंद करो, इसके ग्राउंड में उतरो, ठीक है। और कम से कम 1 घंटे से पहला ग्राउंड से निकल के ना भागो, ठीक है। और अब भाई इंक्लाइन पुशअप लगाने शुरू कर दिए, बढ़िया वाली इंक्लाइन पुशअप और इसका भी 10-10 का 3 सेट लगवाऊंगा, ठीक है ना। न्यू चालन दे भाई मेरे, ठीक है। तो भाई अब ग्राउंड से निकल रहे थे करने और कोई भाई बोलिया करा गया रनिंग ना होती, ठीक है ना भाई। इसके साथ में इस पट्टी के साथ में भी रनिंग कंप्लीट करी है भाई साहब, और वर्कआउट भी कंप्लीट करी हो 1 घंटे को, ठीक है ना। तो सब बाणे बनाने की बातें हैं भाई, ठीक है। इन बाणों से बाहर निकल के असलियत में इस ग्राउंड पे पहुंचो और इस ट्रैक ने ना छोड़ो जब तक आपकी रनिंग कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और बाणा बनाना ख़त्म करो, बंद करो भाई, ठीक है ना। मेरे पैर में इतनी खतरनाक वाली मोच आ रखी है, फिर भी आके आज ग्राउंड पे रनिंग करी है, वर्कआउट वगैरह कंप्लीट करके अब घर जा रहे हैं, घंटा सवा घंटा की एक्सरसाइज वगैरह करके, ठीक है ना। तो ये बाणे बनाने बंद करो भाई, एक ही कहना है मेरा तो, ठीक है ना। चलो फिर वीडियो लागे बढ़िया तो वीडियो कर दियो लाइक, चैनल कर दियो सब्सक्राइब। मिला कल भी ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, आमनो एक भी दिन बिना रनिंग ना रुके, ठीक है। और चलो फिर बोलो शंकर भगवान की जय भाई।